आई लव लर्निंग में आप सभी का क्या है स्वागत है। चलो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू 10 वर्ड्स और इसके साथ साथ कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए रूट वर्ड्स। ये जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ये रूट वर्ड्स हैं प्री प्रो एंड पोस्ट। चलो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रीवेलिंग। प्रीवेलिंग क्या है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। जब मैं ing को यहाँ से हटा देती हूँ यानी कि प्रिवेल ये क्या है, ये वर्ब है और जैसे ही मैं ing लगाती हूँ तो ये एक एडजेक्टिव बन जाता है। तो जैसे कि प्रिवेलिंग फैक्टर, प्रिवेलिंग और इसका मतलब होता है साधारण, मोस्ट फ्रिक्वेंट, कॉमन, दो मतलब है इसके। तो जैसे मान लो कि कोई चीज़ है, जैसे कि हमारे जो सोसाइटी है, अगर हम बात करें कि बहुत सारी जो हमारे यहाँ पे है कि बहुत सारी जो प्रथाएं हैं, जैसे कि मान लो कि प्रैक्टिसेस सतीय प्रथा थी या कोई और तरीके की, वो क्या थी, चलती हुई आ रही थी, यानी कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या थी, वो चलती हुई आ रही थी, यानी कि क्या था उनमें प्रिवेलिंग फैक्टर क्या था, जो हिंदू है जो मुस्लिम्स हैं इनमें क्या है, जैसे पर्दा प्रथा हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट प्रिवेलिंग, बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे कॉमन फैक्टर्स है। बैनल, एक वर्ड है यहाँ पे बैनल भी, तो इसी वर्ड को, ये जो बैनल है, बैनल का मतलब भी साधारण ही होता है। और बैनल को याद करने के लिए मैं पहले बता देती हूँ वर्ड, उसके बाद मैं प्रिवेलिंग के लिए बताऊंगी। तो बैनल, जो बैनर, बैनल को मैंने किससे किया, बैनर। अब बैनर कहाँ लगे हुए होते हैं, जहाँ पर ट्रैफिक हो काफ़ी सारे लोग वहाँ से निकल रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तभी वहाँ पर ही लगाया जाएगा ना बैनर, ताकि सब लोग उसको क्या कर सकें, देख सकें, ठीक है। तो क्या है ये बैनर, यानी बैनर लगा हुआ है कहाँ पे, कॉमन प्लेस पे, साधारण सी जगह पे, ठीक है। प्रीवेलिंग, अब यहाँ पर रूट वर्ड्स लिखे हुए मैंने प्री प्रो एंड पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर प्री लिखा हुआ है, प्री का मतलब होता है पहले, प्रो यानी होता है बहुत पहले और पोस्ट यानी होता है बाद में। जैसे कि मान लो कि मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, प्री मौर्यन, प्री वैदिक, ठीक है। तो यानी वैदिक जो काल था उसके आरंभ की बात हो रही है, ठीक है, यानी उसके पहले की, ठीक है। प्री वैदिक जो पीरियड था, अगर हम उसको वैदिक पीरियड जो थे, जैसे कि जो वेद हैं जो लिखे गए हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, प्री वैदिक पीरियड, उसमें लिखे गए थे। फिर पोस्ट वैदिक, पोस्ट वैदिक यानी वैदिक पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद का क्या सीनियर, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ वैदिक, इसके पहले प्री और ये पोस्ट प्री और ये प्रो, प्रो बहुत पहले आएगा, PRO, इसके भी पहले, ठीक है। तो अब जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिया उस समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो कि वेद लिखे गए, तो कहाँ पे लिखे गए थे, वैदिक, प्री वैदिक पीरियड में। फिर पोस्ट में क्या हुआ, बुद्धिज्म, ठीक है, उसकी बात होती है। अब प्रो की बात करेंगे तो प्रो में क्या हो गया, ये चीज हुई नहीं है अभी, उसके पहले की बात है, यानी क्या था तब, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है। तो ये इससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो परी क्या कर रही है, वेल, वेल क्या होता है, खराब हो जाना, ठीक है। तो परी क्या है, वेल हो गई है, पेल हो गई है, वेल हो गई है, या इसको पर इवेल लिंग, पर इवेलिंग, पर यानी क्या हो गया, प्रतीक, पर प्रत्येक इवेलिंग, प्रत्येक क्या कर रहा है, अपने आप को इवेल कर रहा है। इवेल मतलब क्या होता है, अपने आप को मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। कहाँ पे कर रहा है वो, साधारण सी जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कॉन्टिनम, कॉन्टिनम का मतलब होता है सततता या इवोल्यूशन। अब एक देख रहे हो तो इवोल्यूशन मैंने ऊपर भी बोला था, इवोल्यूशन यहाँ पे भी बोला है, इसलिए मैंने जो एग्जाम्पल दिया ऊपर इवोल्यूशन वाला दिया, ठीक है। तो कॉन्टिनम एक नाउन है, इसका मतलब सत्ता होता है। इसको देखो कैसे करते हैं, काउंट कर रहे हैं हम नंबर को, काउंट कर रहे हैं, COUNT, काउंट नंबर्स, क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, सतत्ता के साथ में, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही करके गिनती सीखी होगी बचपन में आपने। तो काउंट कर रहे हैं हम किसको, नंबर्स को, सतत्ता के साथ में। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे परपेचुएट, परपेचुएट का मतलब होता है सस्टेन, पर पेटू और एट, प्रत्येक पेटू क्या करता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, क्यों, अपने आप को बनाए रखने के लिए, पेटू बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो पर पेटू क्या कर रहा है, एट कर रहा है, खा रहा है, खुद को क्या कर रहा है, सस्टेन रखने के लिए, ये एक वर्ब है। परसीव, अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 वर्ड्स एक साथ बताऊंगी। सीव क्या होता है, छलनी होती है, छलनी आपने सबने देखी हुई, इसमें छेद होंगे।
अब छलियाँ भी कई टाइप की होंगी, जैसे मैंने इसमें छोटे वाले होल बनाए, इसमें मैंने थोड़े बड़े होल बनाए, फिर एक और छलनी मैंने ली उसमें क्या करा मैंने और भी बड़े होल बनाए। ठीक है, तो पर यानी प्रत्येक, अगेन सीव यानी क्या, छलनी, क्या है प्रत्येक छलनी जो है, आपको समझ में आ गई है अलग अलग है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इस वर्ड को भी बता रही हूँ साथ में, कंपेयर कर रहे हैं हैंड से छू छू के। ठीक है, अब क्या आपको ये समझ में आ गया, प्रत्येक छलनी को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं हाथों से, और क्या कर रहे हैं, क्या आपको ये समझ में आ गया है, प्रत्येक छलनी को मैंने क्या किया, कंपेयर किया, क्या आपको ये समझ आ गया है, कॉम्प्रेहेंड, कंपेयर कर रहे हैं हैंड से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन एक नाउन, इसका मतलब होता है ब्रांचिंग करना, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन यानी क्या होते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ब्रांचिंग यानी ये ब्रांचिंग। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन को मैंने कंपाइल बताऊंगी इसको बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। राम क्या है, फिक्शन लिख रहे हैं। फिक्शन क्या होती है सब जानते हैं, स्टोरीज, जिसका क्या होता है, जो इमेजिनेशन करके जो लिखी जाती है उसकी बात हो रही है। तो राम क्या कर रहे हैं, फिक्शन लिख रहे हैं, और उस फिक्शन को उन्होंने क्या किया है, ब्रांचेस में तोड़ दिया है। सपोज करो कि राम भगवान ने, उन्होंने क्या किया था, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और उस ऑटोबायोग्राफी को उन्होंने क्या किया, ब्रांचेस में क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, तो ब्रांचिंग, रेमिफिकेशन। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट क्या होता है, शॉर्ट लाइव्ड, अस्थाई। ठीक है, तो ट्रेन, इसको मैंने ट्रान, ट्रेन में क्या है, सेंट, ट्रेन में सेंट क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। अब ये जो ट्रेन में जो सेंट जो सफर कर रहे हैं वो अस्थाई रूप से कर रहे हैं, कोई रेगुलर तो वो उसमें सफर करते नहीं है। ठीक है, अस्थाई, शॉर्ट है लाइव, इसको वैसे ले सकते हैं जैसे मान लो कि कोई जो है क्या होता है, कीट पतंगा है, उसकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है, शॉर्ट लाइव्ड होती है। तो हम यहाँ पे इस वर्ड को वहां पर यूज में ले सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। तो ट्रांजिएंट नेचर ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, आंट, ट्रांजिएंट नेचर ऑफ बी, नेचर ऑफ बी। ठीक है, तो एडजेक्टिव है ये। स्पूरियस, स्पूरियस का मतलब होता है फाल्स और अनऑथेंटिक। ठीक है, अब स्पूर को मैंने क्या किया, पूरी, पूरी, पूरी सबने खाई हुई होगी, अस यानी हम ही हैं यहाँ पे, हम ही खाने वाले हैं। ठीक है, अब क्या, आपने क्या बोला कि नहीं नहीं ये पूरी मैं नहीं खाऊंगा, ये बहुत गंदी लग रही है दिखने में, ये कच्ची है, तुमने अच्छे से क्या किया है, फाल्स, गलत तरीके से तुमने इसको बनाया है। ठीक है, दोबारा से बनाओ, मैं इसको अनऑथेंटिक बोलता हूँ। ठीक है, अनऑथेंटिक तो फिर भी नहीं यहाँ पे, लेकिन फाल्स यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है कि नहीं ये गलत है, तो मैंने ये जो पूरी, ये अच्छी अच्छी पूरी हमें बना के खिलाओ, ये गलत पूरी क्यों बना के खिला रही हो, पूरी, पूरी, इस पूरी को मैं नहीं खाऊंगा, इस पूरी को हम नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि ये गलत तरीके से बनी है, ये कच्ची है, ये खराब है या जल गई है, व्हाटएवर। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट, जैसे आप कहते हो ना कि जैसे कोई स्टोरी लिखी हुई है, अब स्टोरी के लास्ट में उसका कंक्लूजन होता है, तो वो क्या होता है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्ट को क्या बोलेंगे हम, एक शॉर्ट एक्सट्रैक्ट है किसमें से, अब देखो यहाँ पे एक्सेप्ट है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, एक्स को मैंने आपको कई बार बताया, कुल्हाड़ी, ठीक है मुझे सही से बन नहीं रही है, हाँ लेकिन ठीक है, ऐसे कुल्हाड़ी को क्या कर रहे हैं, सर पर क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं, ताकि उसमें से, सर में से क्या कर रहे हैं हम, ये आपका माइंड है। ठीक है, इस माइंड के दो पार्ट और बीच में ये तीसरा पार्ट, एक बार माइंड के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। ठीक है, लेफ्ट, राइट और ये मिडल। ठीक है, तो एक्स करके क्या कर रहे हैं, सर पे पीट रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट एक्सट्रैक्ट निकालने की, टेक्स्ट निकालने की कोशिश। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए होते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, अपने अपने माइंड में से क्या करते हो, हाथों से पीट के कभी क्या करके कोशिश करते हो ना टेक्स निकालने की, कह रहे निकल जा भाई पेपर में, याद आ जा भाई। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, क्या कर रहे हो आप, एक्स को क्या कर रहे हो, सर के ऊपर, सर पे पीट रहे हो। ठीक है, क्यों पीट रहे हो, ताकि एक्सट्रैक्ट निकल सके उसमें से टेक्स्ट का। स्पर्श, स्पर्श स्पार्स यानी होता है ये जो स्पोरेडिक या छुटपुट, जैसे बारिश होती है
तो बारिश जो छुटपुट जो रुक रुक के कभी थोड़ी देर हो गई, फिर आप सोचते हो कि नहीं नहीं चलो नहीं आएगी, हम छाता घर पे ही छोड़ देते हैं, निकल लेते हैं ऐसे ही। फिर वो छुटपुट बारिश आती है, कई कई लोग तो जानबूझ के भी छोड़ते हैं, ताकि क्या है कि हम क्या करें, अच्छे से क्या कर सकें। हाँ, अच्छे से उस चीज़ को इंजॉय कर सकें। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम तरीका क्या है। इस पर्स, पर्स यानी PURS, पर्स, उसमें क्या है, छुटपुट पैसे हैं। कोई इंसान है जो कह रहा है ये कि भाई इस पर्स में छुटपुट पैसे हैं, मुझे थोड़े और पैसे दो, या वाइफ है जो बोल रही है अपने हस्बैंड से कि इस पर्स के अंदर छुटपुट पैसे हैं, मुझे ये पैसे और चाहिए, ठीक है, ताकि मैं शॉपिंग कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े यहाँ पे इंटरमिटेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी क्या है, रुक रुक कर। अगेन ये अगर आप देखो तो ये भी एडजेक्टिव है, ऊपर भी स्पार्स भी है, ये दोनों है ना सिनोनम है, ठीक है, सिनोनम है, लेकिन इनको कहीं पर हम किसी जगह पर ये यूज में लेते हैं, किसी जगह पर हम इनको यूज में लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि किसी थोड़े से टाइम के लिए अगर बारिश रुक जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार आज तो बारिश बहुत क्या है, इंटरमिटेंटली बरस रही है, ठीक है, छुटपुट, ठीक है, इंटर कर रहे हैं मिंट टेंट, हम क्या कर रहे हैं, इंटर की जगह मैंने क्या बोला यहाँ पे, एंटर मिंट लेकर, मिंट क्या होती है, ठंडक देती है, टेंट में TINT टेंट, टेंटेड एक वर्ड भी होता है, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। टेंट क्या है, कौन से टेंट की बात हो रही है यहाँ पे, वो टेंट जिसमें क्या है, आप लोग ठहरे हुए हैं, ठीक है। अब आप कहीं पर गए इंजॉय करने के लिए किसी हिल स्टेशन को, वहाँ पे आपने एक टेंट बनाया, ठीक है, अब उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एंटर कर रहे हो मिंट लेके। अब मिंट लेके आप एंटर क्यों कर रहे हो उसके अंदर, कि बाहर क्या है, बारिश हो गई, तो स्टार्टिंग में जब बारिश होती है तो उसकी वजह से मौसम थोड़ा सा क्या हो जाता है, सफोकेटिंग हो जाता है, तो जो सफोकेटिंग जो मौसम है उसको क्या है, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे ना हो, इसके लिए आप मिंट लेके टेंट में एंटर कर रहे हो, क्योंकि रुक रुक के बारिश हो रही है, तो फिर वापस गर्मी हो जाती है, फिर ठंडक हो जाती है, फिर गर्मी हो जाती है, ठंडक हो जाती है। कल के दो वर्ड्स थे जो वीडियो के अंदर रह गए थे, पूरे के पूरे डाउनलोड होना, तो उसको मैं बता देती हूँ आज फिर से। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड था एक तो एक्सकर्जन, जो एक्स लेके कर्जन के पीछे क्या है, एक्स लेके कर्जन क्या है, राजा जनक के पीछे क्या है, पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी केट को वापस हासिल कर सके। अब राजा जनक तो ट्रिप पे चले गए, ठीक है, राजा जनक तो कहाँ पे चले गए, ट्रिप पे, और ट्रिप कौन सी, गवर्नमेंट वाली, अब पता नहीं वो कब कंप्लीट होगी, ठीक है। एक्स लेके कर्जन क्या है, राजा जनक के पीछे पड़ा हुआ है, और इसका मतलब क्या था, मैंने बताया था आपको, एक्सकर्जन क्या होता है, ट्रिप जंकेट, और राजा जनक जनक केट को लेके कहाँ गए हैं, ट्रिप पर गए हैं। प्लेनेटोरियम क्या होता है, प्लेनेटेरियम क्या होता है, डोम शेप का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो डोम शेप्ड है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब देखो यहाँ पे प्लेन है, प्लेन यानी क्या है, समतल है, ऑडिटोरियम प्लेन है, ऑडिटोरियम, अब ये ऑडिटोरियम प्लेन कहाँ से है, नीचे से है, ऊपर से तो डोम शेप्ड में है, ठीक है, प्लेन है ऑडिटोरियम, ठीक है। तो देखिए जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, प्रीवेलिंग यानी क्या, ये वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉमन, ठीक है, तो क्या है, प्रत्येक को क्या कर रहा है, पीला हो गया है, वेल यानी पीला, प्रत्येक क्या है, पीला हो गया है, क्यों हो गया है, या परी जो है वो क्या होती है, वेल हो गई है, पेल हो गई है, यानी पीली हो गई है, क्यों हो गई है, अरे भाई अब उसको उसका कोई पूछता ही नहीं है। हाँ एक और मैं यहाँ पे आपके लिए दूसरा वाला ले सकती हूँ, यहाँ पे परी क्या है, वेट कर रही है, कहाँ पे, मोस्ट कॉमन प्लेस के ऊपर, कहाँ पे, मार्केट में वेट कर रही होगी किसी का, ठीक है। कॉन्टिनम, काउंट कर रहे हैं हम नंबर को किसके साथ में, सतत्ता के साथ, ये 1, 2, 3, 4 रेगुलर, बिल्कुल एकदम अच्छे से, ठीक है। परपेचुएट, पर पेटू क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा खाता है, क्यों खाता है, ताकि वो अपने आप को बनाए रखे, क्या क्या बनाए रखे, मोटू पेटू वही बनाए रखे, परपेचुएट हो गया। परसीव, प्रत्येक सीव कैसी है, एक छोटे छेद वाली, बड़े छेद वाली, बड़े बड़े छोटे छेद वाली, अब हम इन तीनों का कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अपने हाथों से, ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ गया,
कंपेयर कर रहे हैं, कंप्रेहेंड कर रहे हैं, ठीक है। रेमिफिकेशन, राम क्या कर रहे हैं, फिक्शन लिख रहे हैं और उसको उन्होंने फिक्शन को अलग अलग वॉल्यूम में अलग अलग ब्रांचेस में क्या किया है, बांट दिया है। ट्रांजिएंट, ट्रेन के अंदर सेंट क्या है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए क्या करते हैं, अस्थायी रूप से सफ़र करते हैं, ठीक है, बाकी तो वो पैदल ही करते हैं, ठीक है ना। स्पूरियस, इस पूरी को देखो हम अस क्या है, हम नहीं खाएंगे, गलत है, तुमने हमारे लिए अच्छी पूरी नहीं बनाई है। सर पीट रहे हैं हम किससे, एक्स से, क्यों, ताकि हम उसके अंदर से टैक्स को निकाल सके, ठीक है। स्पर्स, स्पर्स के अंदर क्या है, छुटपुट पैसे हैं, क्या है, छुटपुट, स्पोरेडिक, छुटपुट पैसे हैं। इंटरमीडिएंट, इंटरमीडिएंट क्या है, एंटर कर रहे हैं मिंट लेके, कहाँ पे, टेंट में, क्योंकि बाहर क्या बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, रुक रुक के बारिश हो रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।